तो यार जैसे आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी कॉलेज में स्टूडेंट हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप या तो अगर उनकी इथरनेट केबल से अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे या फिर उनके वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो एक ही मैसेज आता है कि दिस वेबसाइट इज़ ब्लॉक। तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक्चुअल में अपने नेटवर्क पे सेटिंग्स कर रखी हैं कि जो उनकी अलाउड साइट्स हैं बस वही खुलें और कोई और ना खुले, ताकि बच्चे मिस यूज़ ना कर सकें, कुछ भी हो सकते आप उसका, ठीक है। लेकिन इसका अपने पास एक तरीका है कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, मतलब किसी साइट को कैसे खोला जा सकता है। तो यार ये जो सोल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ इंटरनेट की प्रॉब्लम के लिए। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को लाना है कंट्रोल पैनल में, ठीक है। इसमें अपने बोलना है नेटवर्क इंजीनियरिंग सेंटर, इसके बाद हम इंटरनेट पर क्लिक करना है। इंटरनेट पर क्लिक करने के बाद जाओगे प्रॉपर्टीज पे जाओ, उसके बाद कंफिगर पे, इसमें एडवांस पे जाना होगा और इसमें नेटवर्क एड्रेस होगा, इस पे जाओ। अब इस समय यहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट होगा, आपको नेटवर्क एड्रेस की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो जिस भी लैब में आपका काम कर रहा हो या फिर जैसी जो भी जैसा कंप्यूटर हो जिस पर सब कुछ चलता हो, वहाँ पे जाओ, ठीक है। उस पर आपको क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक है। सीएमडी डालोगे आ जाएगा, इस पर कमांड डालनी है गेट में। तो गेट में का आप डालोगे जैसे, तो फिर उस पर आ जाएगी ये जो आपकी आई पी सॉरी मैक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लाओगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी कर रखा है, मैं इसको वैल्यू में प्रेजेंट इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ओके, ठीक है। अब 1 मिनट वापस से कनेक्ट होगा, रिकनफिगर होगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना क्रोम खोल के देखेगा, सब तो कुछ ही खोल, जैसे कि यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब खोलेंगे तो ऐसे अब यूट्यूब चलने लग जाएगा, ठीक है। और एक बार स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं फादर डॉट कॉम पर जाके। अब देखो तो स्पीड भी जो नॉर्मल आती है ऐसे आना चाहिए। तो यार अभी वाली जो प्रॉब्लम है ये जैसे इथरनेट में है, ये वाईफाई में भी हो सकती है, क्योंकि किसी कंपनी अगर सेटिंग लगाई होगी तो सिर्फ इथरनेट पे नहीं वाईफाई भी लगाई होगी। अब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि हम जैसे इथरनेट में नेटवर्क एड्रेस चेंज किया है हम लोगों ने, वैसे ही हम वाईफाई का भी नेटवर्क एड्रेस चेंज कर देते हैं। लेकिन जो नए वाले हमारे वाईफाई अडेप्टर्स होते हैं उसमें ये जो सेटिंग है नेटवर्क एड्रेस चेंज करने की वो उन्हें बंद कर दिया है। लेकिन उसका भी हमारा चला है, जैसे इसमें भी हम लॉग इन टू नेटवर्क करेंगे, ठीक है। वाईफाई में भी डालूंगा मैं अपनी कोई, अब इसके बाद भी अगर मैं खोलूँगा जैसे, इसके बाद भी इसके ऊपर भी इन लोगों ने कुछ और साइट्स पक्का ब्लॉक कर रखी होंगी। मैं जैसे दिखा देता हूँ, जैसे जी मेल है, मैं बोलूँगा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसके साथ अपने क्या करना है, अपने को एक वीपीएन डाउनलोड करना है PSAPN करके, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये ओपन करोगे आप खुद ही कनेक्ट होने लग जाएगा, बेस्ट परफॉर्मेंस जिस भी रीजन की होगी वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक बार ये कनेक्ट हो जाए जैसे, तो उसके बाद क्या करना है, इसको लॉग आउट कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो इस वाले को। अब कोई भी आप साइट खोलोगे सब खुल जाएगा, जैसे यूट्यूब खोल के देख लेते हैं। अब यूट्यूब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो वाईफाई की अगर प्रॉब्लम होगी तो वाईफाई में हम डायरेक्ट किसी वीपीएन से कनेक्ट करके आपको उसके नेटवर्क को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका कंपनी या कॉलेज का हो, डायरेक्टली वीपीएन कनेक्ट करके भी काम हो जाएगा आपका।